आज हम आपके लिए दिखाएंगे यार जलियो वाला बाग। और भाई पूरा वीडियो देखना और एंजॉय करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। चलते हैं जलियो वाला बाग पे। गाइस अब ये देख रहे हो, ये जलियो वाला बाग है। आज इसके लिए होता है 102 साल हो गए हैं पूरे। और आपके लिए सलू भाई पता पूरा डिटेल दिखाएगा, पूरा वीडियो का पूरी हर एक जानकारी देगा भाई। और आप पूरे वीडियो का एंजॉय लीजिएगा। गाइस ये आप देख रहे हो, यह है पूरा जलियांवाला बाग का पूरा व्यू है। और मैं आपके लिए पूरा स्टोरी बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ था जलियांवाला बाग पे, और इसके लिए जलियांवाला बाग क्यों कहा जाता है। देखिएगा ये पूरा, यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे सन 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि अंग्रेज़ों ने बच्चे बूढ़े महिलाओं यानी कि सभी पे गोलियाँ चलाई थी जलियांवाला बाग पे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था, सभी के लिए मौत के घाट उतार दिया था 1919 में और 13 अप्रैल को। और उन्होंने किसी पर भी राहत नहीं की थी और अंधाधुंध गोलियां चलाते गए और सभी लोग मौत के घाट उतर गए थे। और काफ़ी खून बहा था हमारे इंडियन लोगों का। और मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि यहाँ पे गोलियों के भी निशान है जो अंग्रेज़ों ने चलाए थे, गोलियां चलाई थी, उसका भी पूरा व्यू है। हम उसका भी पूरा आपके लिए पूरा हर चीज़ दिखाएगा भाई। सल्लू भाई आपके लिए पूरा वीडियो का हर करेक्टर दिखाएगा, हर चैप्टर दिखाएगा भाई। बट यार अभी वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और सपोर्ट करना सेलिब्रिटी चैनल के लिए। गाइस अब ये दीवार देख सकते हो, कितना प्यारा मस्त नज़ारा आ रहा है। और ये आप सफ़ेद कलर के टिक देख रहे हो, व्हाइट कलर का टिक है, ये सब गोलियों के निशान हैं। देखिएगा आप भाई, देखिएगा ये है, देखिएगा कितने बड़े बड़े, यानी कि अभी तक ये बने हुए हैं। और अभी तक ये भाई किसी ने नहीं दिखाया है, सल्लू बिल्सी चैनल ही आपके लिए दिखा रहा है पूरा व्यू। और देखिएगा ये सब गोलियों के निशान हैं। और अब आप देख सकते हो कि इन्होंने कितनी गोलियाँ बरसाई थी सन 1919 में और हमारे भारतवासियों के लोगों पर। देखिएगा ये अब देखिए बच्चे देख रहे हैं, ये सब निशान हैं। मैं आपके लिए पूरा डिटेल दिखाएगा भाई सल्लू भाई। और वीडियो को भाई ये बिल्कुल भी स्किप मत करना, सपोर्ट करना, देखते रहिएगा भाई पूरा व्यू। और काफ़ी लोग हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सब कुछ है। और यहाँ पे ना यार पार्क भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिएगा बहुत मस्त नज़ारा भाई। पंजाब तो पंजाब है यार, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत बड़ा भाई जलियांवाला बाग है, ये काफ़ी बड़ा है। और इधर साइड से आ गया हूँ दूसरी तरफ, और इधर साइड से आप देख सकते हो कितने ढेर सारे निशान हैं गोलियों के। देखिएगा भाई ये देखिएगा कितने पहले के निशान, मैं आपके लिए जूम करके दिखा रहा हूँ पूरा। देखिएगा भाई इन पे सफ़ेद व्हाइट कलर के टिक लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी गोलियाँ बरसाई हैं। और पता नहीं यार कितने लोगों की जान गई थी यार उस टाइम, देख सकते हो भाई अभी तक वो निशान है 1919 मैं, यानी कि ये कांड हुआ था। ये ऑर्डर जनरल डायर ने दिया था मारने का सभी के लिए, उसने सूट का ऑर्डर दिया तुरंत ही, यहाँ पे गोलियाँ चल गई थी, देख सकते हो कितनी ढेर सारी गोलियाँ हैं। और जनरल डायर के लिए मारने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, शहीद ऊधम सिंह। ऊधम सिंह गए थे उनके यानी कि देश में, और वहीं पर उनके घर में घुस के मार के आए थे। और ऊधम सिंह एक पंजाब के दलित परिवार में जन्मे थे, और उन्होंने जनरल डायर को घर में घुस के गोली मारी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग का पूरा बदला लिया था, घर में घुस के उन्हें मारा था। और मैं आपके लिए दिखाऊंगा एक यहाँ पे एक कुआ भी है, यहाँ पे 120 लोगों को यानी कि जैसे गोली लगी थी तो उसमें कूद गए थे, जैसे बचने के लिए कुछ भी जगह नहीं मिली थी।
और इधर मैंने आपके लिए दीवार भी दिखाई होंगी, वहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं यानी कि चढ़े थे तो वहाँ पे गोलियाँ बरसाई थी। पूरा व्यू दिखाया है आपके भाई ने और दिखा रहा है भाई। सपोर्ट करना भाई सलू इसी चैनल के लिए यार, सपोर्ट करना भाई, बस प्यार चाहिए आपका और सब्सक्राइब करना बस चैनल के लिए। गाइस यही बुक हुआ है जो मैं आपके लिए बता रहा था, इसमें से 120 लोगों की लाशें निकाली गई थी क्योंकि जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था सूट का, तो यहाँ पे गोलियाँ बाजी चली थी तो कुछ लोग यानी कि बचने के लिए इसमें कूद गए थे और इसमें क्योंकि वे डूब गए थे और कुछ लोगों के लिए गोली लग गई थी तो इसमें से निकाले गए थे। गाइस मैंने आपके लिए पूरा व्यू दिखाया है और यार वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को यार जरूर लाइक करना, शेयर करना और सलू बिजली चैनल के सब्सक्राइब जरूर करना। आप देख सकते हो ये पूरा कुआ है और इधर पे शीशा लगा हुआ है, कुछ रुपये भी चढ़े हुए हैं यार, काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे लिए। अब चलते हैं भाई घर के लिए, सपोर्ट करना सलू बिजली चैनल के लिए।